नमस्कार। बहुत दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूं और उसका रीज़न ये है कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जो कि जल्द ही आपको इस चैनल पे और हमारा जो दूसरा चैनल है इंजीनियर एक्सप्लेन्स उस पर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जो 72 हुरे मूवी का ट्रेलर आया है, ये अच्छा खासा दिन हो गया इसको आए हुए। हालांकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए आज ये जो ट्रेलर है इसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगा, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, इस कारण से मैंने अभी तक इस मूवी का जो ट्रेलर है उसको देखा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस मूवी का ट्रेलर में आखिर है क्या। हुरे समझते हो क्या होती? कंवारी अनछुई हुरे, और वो भी एक नहीं दो नहीं 72 हुरे, 72 हुरे। टूटा पुराना तुम आकेबाज निकले हैं? अरे हाकिम भाई, वो तो वक्त पे बम नहीं फूटा, वरना गेट में से बड़ा धमाका होता। जो कपड़े बयान किए हैं, बलवा हो जाना यार। तो इधर तो एक भी दिखाई नहीं दे रही। सबर कर, सात आसमानों से जमीन पर आने में टाइम लगेगा। क्या उनको यही दफनाया गया था? इस पवित्र मिट्टी में दफन होने के लायक ये लोग इन हाथ दांतों का कोई मकबरा बना देगा। इनकी लाशों को समंदर में फेंक दूंगा। ओए सुनो काके, धमाके में कच्ची काफर मारे मैंने, वो सब जाया हो जाएगा। ओए ये अजाब है हमारा, कुरान का अजाब, जिस पे हाथ रख के तूने कदम खाई कि तेरी जिंदगी का ही कोई मकसद होएगा जहाद, ना तुझे अपनी जान अजीज होगी ना किसी और की। मैं तो मौलवी साहब को मिला से बातें थे पूरी की, अपने सारे हुक्म माने, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हमने अल्लाह की रजा के लिए जान दी, शहीद हुए हम। तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने इस इनाम के लिए चुना है, और तुमने जो नीकी का और जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। शहादत का जाम पीकर जब जन्नत में आंखें खोलोगे, तो अपने आप को हूरों की आहोश में पाओगे। भाई साहब, ट्रेलर तो ज़बरदस्त है, लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा है जो कि लोग वेट कर रहे हैं जिसका। अब मैंने तो इस ट्रेलर को अभी तक देखा नहीं था, बट इसके पहले मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े थे इसके बारे में। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि ये जो 72 हुरे है ना, जिसका ट्रेलर आया, तो ये आई थिंक मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। एटलीस्ट मैंने देखा था उसमें आई थिंक सबसे ऊपर में गदर 2 था, और उसके नीचे जो सेकंड नंबर पे मूवी थी वो थी 72 हुरे। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर। अब बात करें इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, जो चीज़ें मैंने नोटिस की, जो चीज़ें मैंने देखी, तो ये जो मूवी है, ये जैसा कि इसका नाम पूरा सजेस्ट करता है, 72 हुरे, मतलब पूरा मूवी जो 72 हुरे का कंसेप्ट है उसके ऊपर ही बेस्ड है। अब जिन लोगों को इसके पीछे के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा एक मैं बता देता हूं उनको। उसमें ये है कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है 72 हुरों के लस्ट के चक्कर में। उनको कहा जाता है कि लोगों को जो कि नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम है, उनको मारोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगा, और उस जन्नत में तुम्हें 72 हुरे मिलेंगे। और वो जो 72 हुरे हैं, जो कि गर्ल्स हैं, वर्जिन गर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, लंबी होंगी, उनके साथ तुम अपनी सारी की सारी मनोकामना पूरी कर सकते हो। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है, देखो मुझे तो पता नहीं है ज़्यादातर कि आखिर ये कंसेप्ट आया कहाँ से, सही है गलत है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। बट जो मुझे लगता है, देखो कलयुग जो है ना, कलयुग में सबसे ज़्यादा इंसान किस चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड रहता है, वो है सेक्स। और आई थिंक इसी के कारण लोगों को कहा जाता है कि तुम्हें 72 हुरे मिलेंगी जो कि तुम्हारे फैंटेसीज को पूरा करेंगी। आई थिंक ये जो 72 हुरों का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया। वैसे मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मूवी में जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जो दो लड़के हैं जो कि अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेते हैं, लोगों को मारते हैं जो कि नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम है, उसके बाद इनको प्रॉमिस तो किया जाता है कि ये जन्नत में जाएंगे, इनको 72 हुरे मिलेंगी। पर जब ये लोग मरते हैं, तो मरने के बाद ये लोग ठीक उसके विपरीत दुनिया में पहुंच जाते हैं। पूरे दुनिया भर के जितने भी कष्ट और पीड़ा है, सब इनको देखने के लिए मिलती है, सब इनको झेलना पड़ता है।
तो जो मौलाना ने इन्हें प्रॉमिस किया था ठीक उसका उल्टा इन्हें मिलता है। तो आई थिंक इस मूवी से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है क्योंकि यूज करके लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कत्लेआम मचाने के लिए उनको राजी किया जा रहा है, वो सब एकदम बकवास है। अगर आप ये सब काम करते हो और फिर मरते हो तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नर्क में ही जगह मिलेगी और कहीं नहीं। तो ये मूवी आई थिंक कि हर एक इंसान के लिए है, मैं सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए है। और अगर जो भी मुस्लिम है जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके इस्लाम के खिलाफ है, आपके रिलीजन के खिलाफ है, तो आप गलत हो यहाँ पे। क्योंकि ये जो कमियाँ हैं, जो चीज़ें जिनको यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण आपका पूरा जो रिलीजन जिसके ऊपर की दाग लगता है, ये उसके ऊपर है। जो लोग समझदार होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर बात करें इस मूवी के मेकर्स के बारे में, तो इस मूवी के मेकर्स को भी बहुत सारे थ्रीट आए हैं, और जो कि ऑब्वियस सी बातें हैं, अगर आप किसी ऐसे चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो जिसके कारण कि बहुत सारे लोग आतंकवाद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ से थ्रीट आएंगे ही आएंगे। बाकी देखिए, बहुत सारे ऐसे भी फैमिली है जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आखिर यह मूवी किसी रिलीजन के खिलाफ है या फिर जो आतंकवाद है उसके खिलाफ है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि कोई अपने फैमिली वालों को खोए। तो जो लोग अपने अपने फैमिली और अपने सोसाइटी के भले के बारे में सोचते हैं, उनको ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लगेगा। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन है, कोई मेरे ओपिनियन से अग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है।